एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे 35, 75 एंड 50 का बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको पता है इस मेथड में हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम एक साथ डिवाइड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन तीनों का ऐसा नंबर जो कि इन तीनों का मल्टीपल हो, यानी कि इन तीनों के टेबल में आता हो और सबसे छोटा हो। तो यहाँ हमारे पास है 35, 75 एंड 50। 50 के लास्ट में है 0, यानी कि सिर्फ यही वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले से 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 35 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसे ऐसी कॉपी कर लिया। 75 भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के लास्ट में 5 यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए हमने इन दोनों को ऐसे ही कॉपी कर लिया। यहाँ हमारे पास है 50, इसके लास्ट में 0 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिस नंबर की भी लास्ट में इवन नंबर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आए वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ हमारे पास 5 है, 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे। यहाँ जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 है और वो 1 चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब तीनों के लास्ट में 5 यानी कि ऑड नंबर आ चुका है, अब पॉसिबल नहीं कि इनमें से कोई भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। 2 से बड़ा 3 का टेबल है, उसमें चेक करते हैं कि इनमें से क्या कोई नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी वैल्यू होती है उसके जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करके देखते हैं, अगर ऐसा नंबर आए जो कि 3 का मल्टीपल हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो चले हम प्लस करके देखते हैं। 5 + 3 8 होता है, 8 बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है इसलिए 35 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 7 + 5 12 होता है और 12 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि 75 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 5 + 2 7 होता है जो कि बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है इसलिए 25 भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से सिर्फ 75 ही डिवाइड हो सकता है, बाकी 35 और 25 को हमने पहले ऐसे ही कॉपी कर दिया। 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 जो कि आता है 2 पे। यहाँ हमारा रिमाइंडर 1 है, वो चला गया 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब हमारे पास 25 आ चुका है, 25 को पता है 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए अब हम इसे करेंगे 5 से डिवाइड। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे और यहाँ पे भी 25 है इसलिए ये भी आता है 5 पे। ये दोनों नंबर अभी 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो अभी हम इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे। 7 चूंकि 5 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए हमने इसे ऐसी कॉपी कर लिया। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। 7 प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 × 1 = 7, ये 2 1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे। अब हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल 35, 75 एंड 50 का। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिन नंबर से हमने इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड किया उन सबको हमें करना है मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 5 × 5 एंड 7। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 5 = 150 एंड 150 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 7 से, वो हम रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 7 × 0 = 0, 7 × 5 = 35, 35 का सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे 5, 3 हमारा है कैरी, 7 × 1 = 7, 7 + 3 = 10। तो हमारा जो आंसर है यानी कि हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 35, 75 एंड 50 का वो आ चुका है और वो है 1050। इन तीनों का ऐसा सेम, इन तीनों का ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो कि इन तीनों के टेबल में आने के साथ साथ इन तीनों में सेम भी है, ठीक है। इससे छोटा कोई और इन तीनों का कॉमन मल्टीपल नहीं है, इससे बड़े हो सकते हैं लेकिन इससे छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल नहीं है क्योंकि यही सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 35, 75 एंड 50 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।